प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हर घर पाठशाला में। तो आज हम अपने चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, मल्टी डाइमेंशनल एरे। ठीक है, इससे पहले हमने किए थे इंटैक्ट एरे, ठीक है, एसोसिएटिव एरे, अब लास्ट में हमारे मल्टी डाइमेंशनल एरे। ठीक है, अब ये जो मल्टी डाइमेंशनल एरे होते हैं ज़्यादातर यूज किए जाते हैं ये टेबल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Array with multiple indexes or an array of array is known as multi-dimensional array. ठीक है, array with multiple indexes, जो array बहुत सारी indexes के साथ होते हैं, या फिर array का जो अपना array होता है उसको हम multi-dimensional array बोलते हैं। देखो, for example, यहाँ पे देखो, ये एक variable है ना student, ये देखो यहाँ पे जो index ली हुई है एक, और ये साथ में दूसरी index भी है। ठीक है, यानी कि multiple index, then we use more than one index or more than one dimension, इसको हम dimension भी बोलते हैं। अब देखो, ये single है ना, तो ये single dimensional हुआ। ठीक है, double हो गया तो ये two dimensional हो गया, इसको 2D बोलेंगे। जब यहाँ पे हम तीसरी भी use कर देंगे इसको हम 3D बोल देते हैं। यानी कि जो more than one dimension, जब हम more than one dimension use करते हैं तो उनको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। और इनको ये भी बोलते हैं कि एरे का अपना एरे, इनकी एन एरे ऑफ एरे, एरे का जो एरे होता है उसको भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरे हेल्प्स टू मेक रोज एंड कॉलम्स टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरे है वो हमारी मदद करते हैं रोज और कॉलम्स बनाने में, और रोज और कॉलम्स जो है वो मिलकर बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्टूडेंट नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, डाटा टाइप ली एरे, यहाँ पे फिर अंदर हमने एरे लिया, इसलिए तो इसको हम बोल रहे हैं एन एरे ऑफ एरे, एरे का अपना एरे। ठीक है, एरे लिया, नेम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है, एक रो और उस रो में ये कॉलम दिए। ठीक है, ये रो है, ठीक है, एक रो है ना, उसमें कॉलम नंबर ये जीरो, और उसी रो में, ठीक है, कॉलम नंबर ये वन, और उसी रो में ये कॉलम नंबर टू। ये ऐसे बोल सकते हैं, पहली रो में कॉलम नंबर वन, पहली ही रो में कॉलम नंबर टू, और पहली ही रो में कॉलम नंबर थ्री। ठीक है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। अब जो एरे है वो बाय डिफॉल्ट शुरू होते हैं जीरो से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जीरो रो पे कॉलम नंबर जीरो, ये जीरो रो पे कॉलम नंबर वन, और जीरो ही रो पे कॉलम नंबर टू। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर एक और एरे लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे ये भर दिया हमने, नेम के नीचे नेम आ गया, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ गया, और क्लास के नीचे ये क्लास आ गई। ठीक है, फिर हमने एक और एरे लिया, ठीक है, यहाँ पे ये नेम के नीचे ये फिर सेम वैसे नेम आया, और ये रोल नंबर के नीचे फिर रोल नंबर, और यहाँ क्लास के नीचे फिर ये क्लास आई। ठीक है, तो ये एक टेबल बनाया हमने। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे दिखा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इको किया स्टूडेंट नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर, ये देखो जीरो, ये जो जीरो है ना, जीरो मतलब रो, ये है रो, जीरो रो पे कॉलम नंबर जो है ये जीरो है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर दोबारा स्टूडेंट, ये जीरो नंबर, जीरो रो पे कॉलम नंबर ये वन है। ठीक है, फिर ये सेम वही रो है, जीरो रो पे कॉलम नंबर टू, ये लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी हमारी सेम ये। ठीक है, फिर उसके बाद सेम वैसे ही हमने एक और एरे लिया, एरे के अंदर एरे लिया इको, फिर स्टूडेंट, ये आ गई अब हमारी रो नंबर वन, रो नंबर वन पे ये कॉलम नंबर जीरो, ये देखो रो नंबर वन पे कॉलम नंबर ये जीरो। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट रो नंबर जो है ये वन है, कॉलम नंबर जो है ये फिर वन है। ठीक है, फिर सेम वैसे ये रो नंबर वन है, कॉलम नंबर ये टू है। सेम यहाँ पे ये नीचे जो अगला हमने नेक्स्ट जो रो ली, सेम वैसे ही ये देखो इको स्टूडेंट, रो नंबर जो ये अब ये टू है। ठीक है, ये जीरो थी रो, ये वन है, और ये अब आ गई टू रो, टू रो पे ये कॉलम नंबर जीरो, फिर रो नंबर टू पे ये कॉलम नंबर जो है वन, और ये रो नंबर टू पे ही कॉलम नंबर टू। सेम ऐसे हम जितने मर्जी रिकॉर्ड भर लें, तो इस तरह से जो है ये हमारा टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं वो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं टेबल्स को क्रिएट करने में। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अगर इसको समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के जरिए समझा देता हूँ। ये देखो जो नेम स्टोर हुआ वो, ये देखो ये जो है ना, ये नीचे को होती है रोज, यहाँ को होते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये जीरो कॉलम, ये वन कॉलम, ये टू कॉलम। ठीक है, ऐसे है क्योंकि एरे यूज कर रहे हैं ना, और यहाँ नीचे को ये जीरो रो, ये वन रो, और ये टू रो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो रो पे कॉलम नंबर ये जीरो,
फिर ये जीरो रो पे ही कॉलम नंबर ये वन, फिर ये जीरो ही रो पे कॉलम नंबर ये टू, फिर सेम ये आ गई अब रो वन, वन रो पे ये कॉलम नंबर जीरो, और ये वन रो पे ही कॉलम नंबर वन, और ये वन रो पे ही कॉलम नंबर टू, सेम यही बेस। ठीक है, ये जीरो वन और ये दूसरी रो आ गई, दूसरी रो पे ये कॉलम नंबर जीरो, और फिर सेम वही दूसरी रो पे कॉलम नंबर वन, और ये सेम वही रो पे कॉलम नंबर फिर टू। तो ऐसे ही जो है ये टेबल को फिर डिस्प्ले करती है। तो हमारे जो मल्टी डायमेंशनल जो एरे होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं टेबल्स को क्रिएट करने में। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, PHP क्रिएट। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ test51 नाम से, test51.php। ठीक है, यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ PHP, और यहाँ पे PHP क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्टूडेंट नाम से। ठीक है, स्टूडेंट इज इक्वल टू एरे, और एरे के अंदर हम यहाँ पे फिर एरे, अब यहाँ पे आ जाएगा, अब शुरू में यहाँ पे दे लेते हैं नेम, और यहाँ पे आ जाएगा फिर रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी क्लास। ठीक है, ये हो गया ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेम ऐसे ही यहाँ पे ये नेक्स्ट एरे आ गया। ठीक है, नेम के नीचे आ जाएगा, मान लो यहाँ पे नेम ले लिया हमने सोनल। ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर ले लिया 101, और यहाँ पे क्लास दे दी यहाँ पे 12। ठीक है, ये क्लोज कॉमा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ गई एरे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया नाम, जैसे मान लो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम रिया। ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर 102। ठीक है, और क्लास आ गई यहाँ पे 12। ठीक है, और ये क्लोज, फिर ये जो मेन वाली जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे क्लोज सेमी कॉलन। ठीक है, ये बनाएंगे हम टेबल। अब इसको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे हम, तो वो तरीका जो है वो इस तरह से इको, यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में जो जीरो रो पे जो है, ये देखो नेम जो वो जीरो रो पे जीरो कॉलम है। ठीक है, फिर डॉट कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, फिर जीरो रो पे कॉलम नंबर, रो नंबर जो रो नंबर है ये आ गया वन। ठीक है, जीरो ही रो है और कॉलम नंबर ये वन डॉट स्टूडेंट। ठीक है, और फिर सेम वही रो कॉलम नंबर टू। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए मैं डॉट लगाता हूँ, और यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज कर लेते हैं ताकि अगला रिकॉर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको रन करके देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है लोकल होस्ट, और यहाँ पे test51.php। तो ये देखो नेम रोल नंबर और ये आ गई क्लास। ठीक है, सेम जैसे हमने इसको डिस्प्ले करवाया, यहाँ पर भी फिर सेम इको स्टूडेंट, और सेम वैसे ही ये आ गई अब रो नंबर वन। ठीक है, और ये रो नंबर वन पे कॉलम नंबर जीरो। ठीक है, डॉट फिर सेम वैसे ही ये आ गई सेम वैसी वही रो। ठीक है, रो नंबर वन, रो नंबर वन पे कॉलम नंबर ये वन। ठीक है, डॉट स्टूडेंट, और यहाँ पे सेम वही रो और कॉलम नंबर आ गया ट्वेल्थ वाला टू। ठीक है, डॉट यहाँ पे फिर लाइन ब्रेक यूज कर लेते हैं ताकि रिकॉर्ड नेक्स्ट रो में दिखे। ठीक है, फिर इको, फिर यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे अब आ गई ये रो नंबर टू। ठीक है, रो नंबर टू पे कॉलम नंबर जीरो। ठीक है, फिर सेम वैसे ही वेरिएबल नेक्स्ट भी सेम वही रो, सेकंड रो, सेकंड रो पे कॉलम नंबर वन। ठीक है, फिर वेरिएबल स्टूडेंट, ठीक है सेम वही रो, ठीक है और कॉलम नंबर टू। तो इस तरीके से हमारा जो रिकॉर्ड है सेम वैसे ही जो हमने टेबल बनाया था ना, जैसे वो टेबल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये नेम के नीचे नेम आ गया, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ गया, और क्लास के नीचे क्लास आ गई। सिर्फ ये एक एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए, फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं,
हम कोडिंग बता रहे हैं कि जो टेबल्स बनते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं, ये बैक एंड में कोड काम कर रहा होता है, जो हमारे टेबल क्रिएट होते हैं वर्ड के अंदर क्रिएट होता है, एक्सेल के अंदर टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, तो वो एरेज से बने हुए हैं सारे के सारे टेबल्स, ठीक है। यहाँ पे हम कोडिंग दिखा रहे हैं कि इस तरह की कोड जो हम यूज करते हैं। अब देखो ये तरीका था, बार बार दिख रहे हैं ना हम कोड यहाँ पे। अब देखो लूप किस लिए यूज होती है, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। हम जो लूप यूज करते हैं प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे दिखाओ, हम चाहें तो इस रिकॉर्ड को जो है वो लूप से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे रो इज इक्वल टू जीरो से शुरू करेंगे, रो इज लेस देन इक्वल टू दो है ना, जीरो से लेके टू तक है रो, ठीक है। और यहाँ पे रो प्लस प्लस, ठीक है, एक ये आ गई लूप, ठीक है। और यहाँ पे हम इको करवा देते हैं लाइन ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे लूप शुरू कर रहे हैं फॉर, और इसके अंदर ले रहे हैं हम कॉलम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कॉलम भी सेम वैसे जीरो से स्टार्ट है, कॉलम इज लेस देन जो है वो भी टू है, कॉल प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं लूप के अंदर लूप, ठीक है, इनर लूप यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे फॉर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको करवा रहे हैं इको, इको में हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर हम प्रिंट करेंगे रो, ठीक है, और कॉलम। ये वाली फॉर क्लोज हो गई, ठीक है, और ये बड़ी जो है रो वाली जो है ये यहाँ पे क्लोज हो गई। जरूरी नहीं है कि रिकॉर्ड ऐसे डिस्प्ले करवाना है, इसे ऐसे तो बार बार कोड लिखना पड़ रहा है, लूप हम तभी यूज करते हैं, ऐसे तो हजारों के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, एकदम से डिस्प्ले हो जाएगा, या तो दो तीन ही है, मान लो 200 रिकॉर्ड होता है जीरो से लेकर 200 तक लाइंस होती, तो फटाफट ऐसे लिखनी थी हमने लूप, और एकदम से हमारा जो टेबल एकदम से डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसको हम प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है इसमें कोई एरर आए तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, लगभग कोड जो है ये देखो सेम वैसे ही आया। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो एक मैनुअल तरीका था आपको सिखाने का कि ऐसे ऐसे जो है वो हमारे एरेज जो है वो उस तरह से स्टोर करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स को, ऐसे रोज बनते और ऐसे कॉलम्स बनते हैं। अभी देखो हमने लूप से ही सेम वही काम वही किया जो वहाँ पे कर रहे थे, वो था आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये देखो नेम के नीचे नेम से रोल नंबर, के नीचे रोल नंबर, और क्लास के नीचे क्लास। तो ये था मल्टी डायमेंशनल एरे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो उसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो रहा है। अब पीएचपी का बचता है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको वेबसाइट क्रिएट करना बताऊंगा। हमने एक लॉगिन पेज बनाया था, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम वेबसाइट का जो है वो होम पेज कैसे बनाते हैं, मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, अब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिमाचल।